जी ये है छपरन नाला, रमन से संगलदान रोड के बीच में सबसे डेंजरस पार्ट एक ये, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया 15 किलोमीटर्स। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मी रमन, यू एंड फ्रेश व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है रमन से लेकर संगलदान तक। अभी फिलहाल मैं रमन के कैफेटेरिया मोड़ पे हूँ, लेकिन यहाँ से व्हीकल नहीं निकलेगी। व्हीकल निकलेगी बैक, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं यानी कि चिनाब रिवर के उस साइड मुझे जाना पड़ेगा, और मेरे साथ एक और भी साथी जुड़ने वाले हैं। अगर वो भी जुड़ गए तो उनको भी व्लॉग में लाने की कोशिश करेंगे। रमन का मैन बस स्टैंड, जहाँ पे आज ये वाली बिल्डिंग जो है मल्टी लेवल कार पार्किंग कम बस स्टैंड बनने वाला है, यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रहा जी रमन के हॉस्पिटल और जो यहाँ का सेट कोर्ट है उसके लिए रास्ता। तो यहाँ से आप फ्लाईओवर भी क्लियरली देख सकते हैं, और आपको सबसे प्यारी चीज़ रामन की ओल्ड जामिया मस्जिद विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये फ्लाईओवर रहा जी आपके लिए। तो ये आ गए हमारे संजय सर, इनका मैं वेट कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया। ये देखो इसमें कितने कितने बड़े बोल्डर होते हैं, और अभी तो इसका बहुत कम वॉल्यूम है आप देख रहे हैं रिवर चिनाब का, लेकिन जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वॉल्यूम वो ऊपर तक जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तकरीबन इधर तक भी जाता है कभी कभी, मतलब डेंजर लेवल इसका यहाँ पे आता है। ये चल रहा है जी रामबन मैथरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये आ गई जी रामबन की नई बस्ती। सो जी मॉर्निंग के अराउंड 8:40 हो चुके हैं, एंड हमने अपना ट्रैवल जो है संगलदान की तरफ स्टार्ट कर दिया है रामबन से, और हम देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। 35 किलोमीटर्स अराउंड इतना ही डिस्टेंस है रामबन से लेकर संगलदान तक। अगर हम बात करें रोड की कंडीशन की, तो आप देख ही सकते हैं कि रोड जो है तकरीबन हमें अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि डेंजर जोन तो है ही, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन हमें जो है केयरफुली ड्राइव करना चाहिए जब भी ऐसे रोड्स पे हम ड्राइव करते हैं। जम्मू कश्मीर के अगर इस चिनाब वैली की बात करें, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रामबन की, तो तकरीबन सारा ही इलाका जो है हिली एरियाज़ पे डिपेंड है, और हिली एरियाज़ में आपको पता ही है इसी तरह के रोड्स होती हैं, और यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं स्नैक शेप्ड कर्व्स, तो ये काफ़ी डेंजरस रहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। और एक चीज़ ये भी है कि इस सेक्शन में यानी कि रामबन से लेके संगलदान तक दो ऐसी प्लेसेस आ जाती है आगे जहाँ पे स्लाइड होती है। जब भी यहाँ पे वेदर कंडीशंस ख़राब होती हैं तो स्लाइडिंग की वजह से रोड यहाँ पे बंद भी हो सकता है। तो अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, 15 किलोमीटर एक आ जाता है अभी, उसके बिल्कुल पास में पहुँचने वाला हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या कुछ सीन है 15 किलोमीटर जो रामबन से आ जाता है। एंड नेक्स्ट एक और प्लेस है, वहाँ पे भी मैं आपको विजिट करवाऊँगा। तो फिलहाल अगर आप इस वाले एरिया की कंडीशन देख लें रोड की, तो एकदम बिल्कुल स्पॉट है, बिल्कुल अच्छा रोड है। सामने की हिल्स आप देख सकते हैं, और रोड भी देख लें, एक के ब्यूटीफुल सा कर्व यहाँ पे आ जाता है, और ये फुली मैग्नमाइज रोड आपको तकरीबन मिलेगा सारा ही। बस वो जो दो प्लेसेस मैंने आपको बताई, एक तो हमारे सामने आने ही वाली है और दूसरी भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे चल के। तो ये दो प्लेसेस के अलावा सारा रोड जो है बिल्कुल एकदम ओके हमें देखने को मिलता है। ये है जी वो वाली प्लेस 15 किलोमीटर्स फ्रॉम रामबन, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते ही रहता है, बुलडोज़र आपको सामने मिल जाएगा। बुलडोज़र इसलिए यहाँ पे रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि कब जैसे लैंडस्लाइड आ जाए। ये पूरा एरिया जो है ऊपर से चल ही रहा है, और आप इस वक्त भी देख सकते हैं सिंगल क्रॉसिंग यहाँ पर पॉसिबल है। एक लेबर भी नज़र आ रहा होगा आपको आगे है, जो कि यहाँ पे जो भी गड्ढे वगैरह हैं उनकी फिलिंग में लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस एरिया है, उस साइड में बस भी एक आपको दिख रही होगी। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, अगर टनल बनाया जाए इसके पीछे से, तो फिर इस वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। हालांकि जो लोग इस वाले एरिया में रहते हैं गूल संगलदान एरिया में, तो उन लोगों को ये डेली बेसिस पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ती होगी, यहाँ की सिंगल क्रॉसिंग है। तो होपफुली हम क्रॉस हुए हैं।
बाकी के रोड की कंडीशन आप देख लें, बिल्कुल एकदम ओके है, फुली मैग्नेटाइज्ड है। अभी हम पहुंच रहे हैं जी धर्मकुंड के नज़दीक। धर्मकुंड से ऊपर एक प्लेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है, यहाँ से हमारे बिल्कुल लेफ्ट से जो रोड निकलती है वो सावलाकोट जो डैम कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ के लिए जाता है, और इसी में आगे टंगर का एरिया भी आ जाता है। तो नीचे का एरिया जो है वो है जी धर्मकुंड का, ये आप देख लें धर्मकुंड, ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगता है। यहाँ से ये जो टर्न यहाँ पे है ये भी एकदम औसम नज़ारा है यहाँ का। थोड़ी देर यहाँ पे व्हीकल रुकी है जिसके चलते मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से विज़िट करवा सकता हूँ। तो ये एक ब्रिज भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, तो ब्रिज का हम एक बार ही नीचे जाके भी नज़ारा करते हैं। ये देख लें आप, ये जो आयरन ब्रिज है इस रिवर चिनाब के ऊपर धर्मकुंड प्लेस पे, यहाँ पे भी सिंगल क्रॉसिंग है इस ब्रिज के ऊपर से, यानी कि वन टाइम वन साइड से ही व्हीकल क्रॉस हो सकती है। इस तरफ में ओल्ड वाला ब्रिज था लेकिन अभी के लिए ये वाला न्यू जो है फंक्शनल है। ये देख लें आप, अभी तक हम वेट कर रहे थे इस क्रैन के निकलने का, क्योंकि वन टाइम पे वन साइड से ही व्हीकल जा सकती है, सब टू व्हीलर्स तो दो तीन एक साथ जा सकते हैं भाई, दोनों साइड से ही हो तो। आपको दिख ही रहा है कि स्पेस कितना है इसके अंदर, सामने एक डंपर वेट कर रहा है हमारे क्रॉस होने का। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, बाकी का रोड एकदम ओके। तो सामने जो एक और प्लेस है इस पे मैंने आपको कहा था छपरन नाला, ये रहा जी आपके सामने छपरन नाला वाली जगह, और यहाँ पे मड स्लाइडिंग होती है जब भी बारिश होती है, और इस वाली प्लेस में बहुत ज़्यादा मड स्लाइड होता है क्योंकि एक नाला है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऊपर से पानी आता है बारिश का जिसके चलते यहाँ पे एक ही कीचड़ बन जाता है, और गाड़ी का निकलना उस पानी के बीच में से बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे अभी एक पुल की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, अब देखते हैं कि कब हमें देखने को यहाँ पे पुल मिलता है। और आजकल की डेट में यहाँ पे दिन में काम चलता है और सुबह के टाइम ही व्हीकल्स को इधर से छोड़ा जाता है, तो ये चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ से निकलते हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले और शाम को शायद 4 बजे के बाद ही यहाँ से निकलने देते हैं। बाकी एक अल्टरनेट रोड भी है, वहाँ से भी बंदा जा सकता है लेकिन उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, वो इससे पहले ही उसका जो है लिंक निकलता है डायरेक्ट, वो भी संगलदान पहुँचता है। तो रामबन से संगलदान के बीच में क्या कुछ रोड की कंडीशन थी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। अब हम संगलदान के बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहे हैं, और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कुछ लोग जो यहाँ संगलदान रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट आना चाहते हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मैं संगलदान पहुँच चुका हूँ, और यहाँ आप मस्जिद देख लें हमारे इस साइड से, और इस तरफ ये वाली जो रोड निकलती है इस पे हमें जाना है। फ़िलहाल तो हम आगे कुछ जाएंगे और रेलवे स्टेशन का विज़िट आपको मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो मेरा है वो रेलवे स्टेशन पे ही बनने वाला है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। बाकी फ़ीमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।